बिल्कुल गांव के स्टाइल में बनाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे इतना ठंड है, देखिए हाथ से पुष्पा हमारी कर रही है लेकिन उसको थोड़ा भी नहीं पकड़े, देखिए दोस्तों इतना ठंड है दोस्तों यहाँ पे जो मत पूछिए। गरम दोस्तों हम किस तरीके से बना रहे हैं दोस्तों, और आप लोग कॉर लगा के बनाते हैं तो इसे गिरे भी दोस्तों बहुत अच्छा लगता है स्वाद। दोस्तों हम लोग गांव के स्टाइल में दोस्तों मछली बनाएंगे, कॉर लगा के बनाएंगे दोस्तों, इसे फ्राई नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए मैडम है कलकत्ता की, और देखिए दोस्तों एक बार बना के देखिए आप लोग इस तरीके से, और ना मजा आए दोस्तों तो फिर कहिएगा। और दोस्तों ये मछली थोड़ा ही लाइएगा, ज़्यादा नहीं लाइएगा, हाफ के जी लाइएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, हमारे न्यू ब्लॉग में दोस्तों स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बना रहे हैं रोहू मछली, बिल्कुल देहाती स्टाइल में बनाएंगे दोस्तों, गाँव की तरह सिलबट्टा मसाला पीस के बनाएंगे दोस्तों, कर लगा के। दोस्तों इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, इसको कर लगा के बनाएंगे दोस्तों। इसका ग्रेवी बहुत टेस्ट बनता है दोस्तों, आप लोग एक बार जरूर बना के खा के देखिएगा। अगर दोस्तों मज़ा नहीं आया तो फिर कहिएगा, अगर दोस्तों अगर अच्छा बनेगा तो एक बार आप लोग को जरूर मेरे वीडियो पे आके और कमेंट करके जाइएगा दोस्तों प्यारा सा। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो हमारा मिस ना हो। चलिए दोस्तों हम लोग मछली बनाते हैं हमारा। तो चलिए दोस्तों आज बनाएंगे हम लोग काला रोहू, बिल्कुल गाँव के स्टाइल में दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग कर ला के बनाइएगा तो रोहू मछली ही बनाइएगा, इसका टेस्ट दोस्तों जबरदस्त बनता है। और आप लोग कौर लगा के बनाते हैं तो इसे ग्रेवी दोस्तों बहुत अच्छा लगता है स्वाद। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बनाते हैं गांव के स्टाइल में रोहू मछली, आप लोग बनाइए एक बार दोस्तों और खाइए कौर लगा के। फ्राई नहीं करेंगे दोस्तों, इसको कौर लगा के बनाएंगे और देखिए कितना जबरदस्त टेस्ट बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे फटाफट धो लेते हैं। आइए दोस्तों आज बनाते हैं विलेज स्टाइल, अपने गाँव के स्टाइल में दोस्तों काला रोहू मछली। तो चलिए दोस्तों हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, राई और पीला सरसों दोनों मिक्स कर दिए हैं दोस्तों, और लहसुन इसको दोस्तों हम लोग पेस्ट बना लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग पेस्ट बनाते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग आज गांव के स्टाइल में दोस्तों मछली बनाएंगे, कर लगा के बनाएंगे दोस्तों, इसको फ्राई नहीं करेंगे दोस्तों, आज हम लोग कर लगा के बनाएंगे दोस्तों। तो आप लोग अगर गाँव के स्टाइल में खाना चाहते हैं दोस्तों तो एक बार आप लोग इस तरीके से बना के जरूर खा के देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका ग्रेवी दोस्तों बहुत जबरदस्त होता है, एक बार आप लोग बनाए खा के देखिए तब पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट इसको पेस्ट बना लेते हैं। हम लोग मसाला मिक्स करते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों मसाला पीस लिए हैं बिल्कुल गांव के स्टाइल में दोस्तों। अब इसको दोस्तों मसाला को हम पीसेंगे और दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और मछली दोस्तों थोड़ा रहेगा तब ज़्यादा टेस्टी बनाएगा, क्योंकि ग्रेवी फिर गाढ़ा करना पड़ता है दोस्तों, तो मछली थोड़ा रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों। और ज़्यादा मछली एक डेढ़ किलो तो इस प्रकार के फिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि थोड़ा मछली में ग्रेवी इसको थोड़ा मोटा रखना पड़ेगा दोस्तों, और खाने में स्वाद बहुत ज़बरदस्त बनेगा दोस्तों। आज गांव के स्टाइल में दोस्तों बना रहे हैं बिल्कुल बिहारी स्टाइल में। तो चलिए दोस्तों आज देखिए किस तरीके से हम लोग रोहू मछली, और दोस्तों ये मछली ज़्यादा करके रोहू लाइएगा, क्योंकि रोहू मछली है गोल्डन मछली हो जाए तो गोल्डन भी चल जाता है दोस्तों। और आप लोग दोस्तों एक बार बनाइए देखिए दोस्तों किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट इसमें लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर देंगे दोस्तों, मसाला में ऐड करेंगे इसी में ही दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों हमने हल्दी भी इसमें ऐड कर दिए हैं दोस्तों, मसाला हम इसी में पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तों, इसको फ्राई करके नहीं हम लोग कर लगा के बनाएंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, और बनाने वाली देखिए मैडम है कलकत्ता की। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखिए किस तरीके से, और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा दोस्तों, हाँ नमक हल्का मीडियम रखिए, हाँ। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए दोस्तों किस तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे, आप लोग भी दोस्तों इसको मिक्स इसी तरीके से कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों एक बार बना के देखिए आप लोग इस तरीके से, और ना मजा आए दोस्तों तो फिर कहिएगा। और दोस्तों ये मछली थोड़ा ही लाइएगा, ज़्यादा नहीं लाइएगा, हाफ के जी लाइएगा, 700 ग्राम 800 ग्राम ले आइएगा तो बढ़िया बनता है दोस्तों इसका स्वाद। तो इसका हमारा जो ग्रेवी बनाना है दोस्तों जो एक नंबर बनाना पड़ता है इसका। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बनाते हैं बिल्कुल गांव के स्टाइल में दोस्तों मछली। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम लोग बनाएंगे आज, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाला को। चलिए दोस्तों इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो गया दोस्तों, अब इसमें दोस्तों राई का पहले फोरन जरूर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, और तेल दोस्तों चारों तरफ लगा लेंगे कढ़ाई के, और देखिए दोस्तों हम लोग
किस तरीके से बना रहे हैं दोस्तों, गाँव के स्टाइल में बना रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग देखिए दोस्तों किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं दोस्तों, आप लोग एक बार जरूर बना के खा के देखिए दोस्तों। अच्छा ग्रेवी बताइए दोस्तों कि किस तरीके का है, अरे बार कमेंट जरूर कीजिएगा आकर ग्रेवी आप लोग बनाए हो तो किस तरीके से बनाए दोस्तों, ये जरूर आप लोग कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों दोस्तों इसका ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनता है दोस्तों इस तरीके से बनाने से। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग बिल्कुल गांव के स्टाइल में बनाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे इतना ठंड है देखिए कि हाथ से पुष्पा हमारी कर रही है लेकिन उसको थोड़ा भी नहीं पकड़े, देखिए दोस्तों इतना ठंड है दोस्तों यहाँ पे जो मत पूछिए, गरम तेल देखिए दोस्तों इतना देखिए दोस्तों इतना गरम तेल है देखिए दोस्तों पूरा खोल रहा है लेकिन कुछ हाथ में नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा दोस्तों गरम तेल है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ देर वेट करते हैं दोस्तों, हमारा एक साइड पक गया दोस्तों और दूसरे साइड हम इसको फ्राई करेंगे इस तरह से कवर लगा लेंगे दोस्तों इसको। तो चलिए दोस्तों हम दूसरे साइड से भी कवर लगा लेंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों इसको थोड़ा काला हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा इसको काला करना ही होता है तभी सोन सोन लगेगा दोस्तों खाने के लिए। तो दोस्तों मसाला बिल्कुल सही से पकेगा नहीं तो वो स्वाद नहीं लगेगा दोस्तों, इसको हल्का पकाना पड़ता है सही से तब सोन लगेगा दोस्तों खाने में। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसी तरीके से घुमा लीजिएगा दोस्तों, हम देखिए दोस्तों कैसा वो हो गया, एक तरफ से फ्राई हो गया दोस्तों और दूसरे तरफ से इसको कर लगेगा मान के चलिए। तो ये देखिए दोस्तों आप लोग इसी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा इसी तरीके से। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ देर वेट करते हैं, सर फ्राई हो गया अब दोस्तों इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। तो देखिए दोस्तों हल्का से डालेंगे दोस्तों क्योंकि हमें थोड़ा मोटा करके बनाना ग्रेवी, तो थोड़ा ही डालिएगा। देखिए दोस्तों किस तरीके से हम लोग आज फिश बना रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल मछली बनाए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है, बस आप लोग सही से बनाइएगा वीडियो सही से देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों बनाने का। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और पानी हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको अच्छी तरह से मसाला को मिक्स कर देंगे और देखिए दोस्तों कैसा कलर हो गया है आप लोग बताइए डिसाइड करिए कैसा है। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिस ना हो। ऐसे टेस्टी खाना खाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ देर वेट करते हैं और बस हमारा रेसिपी बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। हमारा रोहू मछली बिल्कुल बनके तैयार हो गया दोस्तों, इस देखिए दोस्तों कर लगे बनाए हैं और कितना मस्त लग रहा है दोस्तों। थोड़ा कलर दोस्तों व्हाइट व्हाइट इसलिए आ रहा है कि हम फ्लेश जला के बना रहे दोस्तों, रात का मौसम है तो इसलिए दोस्तों थोड़ा व्हाइट व्हाइट लग रहा है लेकिन कलर बहुत जबरदस्त बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। तो ये देखिए दोस्तों हमने मछली चावल बनाए हैं और देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और देखिए कितना मस्त लग रहा है दोस्तों, हम लोग बस यही खाएंगे दोस्तों। ग्रेवी इसका देखिए कितना मोटा बनाया दोस्तों, आप लोग एक बार जरूर बना के खा के देखिएगा दोस्तों, मछली चावल बहुत मजा आएगा दोस्तों।